तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 2 लाख का लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन भी देखने को मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे योर अनलॉक ईएमआई ऑफर, यानी कि दोस्तों मेरा यहाँ से लोन अनलॉक हो चुका है और मैं यहाँ से इतना लोन अमाउंट ले सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसे ही लोन अमाउंट की मतलब तलाश में थे जहाँ से आपको लाखों में लोन मिल जाए, मिनिमम 10 साल का और मैक्सिमम अगर आपको 4 लाख 5 लाख अगर लोन मिल जाए दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपका जो लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा उसको विद इन 5 मिनट्स के अंदर में अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज अगर वीडियो का स्किप करोगे और एक भी ट्रिक आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको यहाँ से लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो गाइस कि स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, उसका नीचे वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन दोस्तों आप क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ से आपको OTP आएगा, तो OTP इंटर करके आपको वहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जो आप इस लोन एप्लीकेशन का होम स्क्रीन पे यहां पे अब आ जाएंगे दोस्तों। तो अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों यहां पे वो काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको एक लोन्स का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, जो देख सकते हो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आप यहां से 2 लाख तक आप यहां से लोन ले सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहां से आप लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है कि आप यहां से 2 लाख तक आप यहां से लोन ले सकते हो। तो अब आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे, उसका दोस्तों नीचे वो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों अब आप कैसे परमिशन दे देना है इस लोन एप्लीकेशन को, तो परमिशन देने के लिए आपको यहां से अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके यहां से लगातार इस लोन एप्लीकेशन को यहां से परमिशन दे देना है। जैसे यहां से परमिशन दे दोगे, उसका दोस्तों अब आ जाता है प्रोसीड टू KYC, तो यहां से प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने यहां से KYC कंप्लीट कर देना है। यहां पर देख सकते हो कि प्रोसेसिंग टू KYC वाले ऑप्शन पर आ चुका हूं। उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आ जाता है योर आधार नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। उसका दोस्तों आपको इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP इंटर करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करके ये वाले कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, उसका दोस्तों मैं वहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो याद आता है टेक ए सेल्फी, यानी कि दोस्तों आपको अपना एक यहाँ पे सेल्फी अपलोड करना है। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने यहाँ से सेल्फी अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना एक सेल्फी अपलोड कर लेता हूँ, तो आप भी अपना सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ से टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आपके यहाँ से सेल्फी यहाँ से अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों सेल्फी अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको रोशनी वाले जगह पर जाकर सेल्फी अपलोड करना है। आपको अपने मतलब फेस पर कोई भी मास्क या चश्मा या वगैरह वो कुछ भी नहीं पहनना, अच्छा से एक सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे वहाँ से अपना सेल्फी अपलोड कर लोगे, उसका दोस्तों फिर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई सरकारी जॉब या कोई प्राइवेट जॉब करते हो, आप सैलरीड पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि दोस्तों अगर आप मतलब किसान हो, मजदूर हो या खुद का कोई दुकान है, तो दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सेल्फ एम्प्लॉयड है गाइस, तो मैं यहाँ से उनका सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसका दोस्तों फिर आप यहाँ से सेलेक्ट पर्सनल टाइप यहाँ पे देना है, तो सेलेक्ट पर्सनल टाइप में आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम इंटर कर देना है, अपना यहाँ पे एक पर्सनल ईमेल आईडी इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने यहाँ पे मंथली इनकम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा कि आप महीना कितना कमा लेते हो। उसका सीधा आपके यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन ऊपर आपको देखने को मिल चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू अनलॉक मतलब EMI ऑफर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। मेरा लोन अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि मैं यहाँ से 2 लाख का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, और यहाँ पर आप सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, तो इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको आई एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों क्लिक कर
लोगे उसका दोस्तों अब आप यहाँ से अपना वेरीफाई यहाँ करना है अपने बैंक अकाउंट को। तो दोस्तों वेरीफाई विथ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से वेरीफाई विथ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का नाम मतलब नंबर इंटर कर देना है। उसके नीचे आपको IFSC कोड इंटर करके आपके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे उसका दोस्तों आपकी इस लोन अप्लीकेशन के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में 2 रुपये भेजा जाएगा और वो चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ से एक्टिव है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं वहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करूँगा उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे अपना मतलब अकाउंट का नंबर इंटर करना है, उसके आपको IFSC कोड इंटर कर देना है और यहाँ से आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब आपके यहाँ से ENH कंप्लीट करना है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो दोस्तों। आपको जो भी करना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने स्टेप इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको अपना यूजर मतलब नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आप दिए रहे हो डेबिट कार्ड या मतलब नेट बैंकिंग आप जो भी दिए रहोगे उसका यूजर ID डालना है, पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल सभी कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आपका लोन अमाउंट सभी कुछ नाम सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये सभी कुछ अपना देख लियो दोस्तों उसका आपको चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप वहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो OTP आप इंटर करके आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। जैसे वहाँ से आप कन्फर्म कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ईमेल डेट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, जो देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, सीधा नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको नीचे एक सेकेंड चलने का देखना पड़ेगा दोस्तों। तो उस सेकेंड जब तक आपका खत्म ना हो तब तक आपको यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे आप वहाँ से कंटिन्यू कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स ऑफर यहाँ से वेरीफाई हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट बैंक भी आपके यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अब आपका लास्ट स्टेप यहाँ पे बच जाता है लोन अप्लीकेशन इन प्रोसेस गाइस, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये करना है दोस्तों। तो आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से 2 लाख का लोन लेने के लिए एलिजिबल था, लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ से 1.5 लाख का ही लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। अब दोस्तों 50,000 रुपये मेरा क्या मतलब चीज़ में चला गया दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूँ कि जैसे 2 लाख का मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ दोस्तों, मुझे 2 लाख का लोन मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मुझे अभी 1.5 लाख का ही लोन देगा और ये जो मतलब जैसे मैं अपना EMI 6 मंथ अभी मैं इनको रिपेमेंट कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ से मतलब 50,000 का और लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका भी आपको बता दिया जाएगा कि आप कितना लोन लेने के लिए यहाँ से एलिजिबल हो। दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं कि यह जो लोन अमाउंट आपको मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि आप किसी भी QR कोड पर भी आप यहाँ से स्कैन करके पैसा भेज सकते हो और बैंक अकाउंट में यहाँ से अपना विड्रॉल कर सकते हो। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को मतलब अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करना है, तो यहाँ से विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे लोन अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से मिनिमम यहाँ से जो देख सकते हो कि मिनिमम आप यहाँ से 9,900 रुपये आप यहाँ से ले सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ से 1,41,935 रुपये आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों आपको जितना लोन अमाउंट लेना है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपका EMI देखने को आ जाएगा कि आप कितना दिन के लिए लोन ले रहे हो, कितना EMI, आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से वो सेलेक्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सेलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लोन का कुछ और डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने लोन का कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 1.5 लाख का लोन ले रहा हूँ। प्रोसेसिंग फीस मुझे यहाँ पे लग रहा है 7,065 रुपया, मेरा पर मंथ EMI बन जाएगा 1,000 रुपया और यहाँ पर देख सकते हो मेरे अकाउंट में जो भेजा जाएगा 1,41,935 रुपये मेरे अकाउंट में यहाँ से पैसा भेजा जाएगा। मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 यानी कि दोस्तों 2.5% मुझे मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है। मतलब यहाँ मंथली 24 महीने के लिए मुझे यहाँ पे लोन मिल रहा है। सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अमाउंट पर मंथ EMI सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो देख सकते हो कब मेरा रिपेमेंट है, कब मेरा रिपेमेंट का डेट खत्म है, सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से गो इट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके विद इन 5 मिनट्स के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ से लोन की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको लोन का जरूरत है दोस्तों तो आप जाकर यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप गो इट वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पर बस आपको 5 मिनट या 10 मिनट समथिंग आपको वेट करना पड़ जाएगा और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जाकर आप इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। काफी सिंपल है लोन अप्लाई करना, तो आप भी जाकर इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों
अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कि मोबीक्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन का, जो आप प्ले स्टोर से भी जाकर आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मोबीक्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस लोन एप्लीकेशन को जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर दोस्तों मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको मोबीक्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता है, तो दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल है और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर आप लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप 100% आप यहाँ से लोन लेकर जाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल स्कोर अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ही बेस पर आपको उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन मिल जाएगा। तो आप भी जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर मतलब लोन अप्लाई किए हैं, और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोगों को भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन मिला, और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर खुश है। तो आप भी जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, जब भी आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।